हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन में। मैं आकाश आज आपको बताने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। तो दोस्तों, ये साइट फिर से शुरू हो चुकी है। आप अपना आवेदन घर बैठ कर अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको गूगल ओपन कर लेना है, यहाँ डालना है PM आवास। इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, इसको ओपन कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट्स, इसमें ओपन कर लेना है। यहाँ आपसे पूछेगा आधार नंबर। तो यहाँ आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। यहाँ नाम डाल देना है, यहाँ टिक करके यहाँ क्लिक चेक कर देना है। ये मेरा फॉर्म ओपन हो चुका है। तो चलिए मैं आपको फॉर्म भर के दिखाता हूँ। यहाँ आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सर्च कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देनी है। शहर का नाम, अगर आप शहर से हैं तो अलीगढ़ करना है, किसी ब्लॉक वगैरह से हैं तो उस पर टिक कर देना है आपको। ठीक है, मैं सिटी का हूँ तो सिटी से कर देता हूँ। आपको पैसे अपने मकान बनाने के लिए खाते में चाहिए तो क्रेडिट लिंक सब्सिडी। यहाँ आपको जेंडर सिलेक्ट कर देना है, यहाँ फादर नेम डाल देना है। या इनकी एज डाल देते हैं, या मकान नंबर, या एड्रेस जहाँ से हैं। या स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट इनका अगर मोबाइल संख्या है तो यहाँ डाल देनी है। स्टेटस शादीशुदा है तो शादीशुदा, और अगर अनमैरिड हैं तो अनमैरिड। किराए के मकान पे रहते हैं तो किराए के मकान पे, और मकान अगर बनाने के लिए पैसा चाहिए तो ओनरशिप। मकान किस प्रकार का है, कच्चा पक्का जो भी है सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपके इस मकान में जिसको आप बनाने के लिए पैसे चाहते हैं वहाँ कमरों की संख्या लिख देनी है। यहाँ आपको अपना धर्म सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ जाति सिलेक्ट कर देनी है, जिस वर्ग के आप अंतर्गत आते हैं। यहाँ आपको अपनी बैंक सिलेक्ट कर लेनी है। बैंक किस स्टेट के अंतर्गत है आपकी, किसी और अदर स्टेट में है तो वो सिलेक्ट कर लेनी है, और आपके सेम स्टेट में है तो वो सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको अपना बैंक खाता संख्या डाल देनी है, या कंफर्म दोबारा से डाल देनी है। आप कितने सालों से रह रहे हैं वो सेलेक्ट कर देना है। आप लेबर टाइप हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, वो जो कुछ भी है आपको यहाँ सेलेक्ट कर देना है। पेजर सेलेक्ट कर देना है। आपकी वार्षिक आय, वो यहाँ पे आपको टिक कर वार्षिक आय भर देनी है, जो भी आपकी वार्षिक आय है। अगर आपके पास BPL कार्ड है वो भी भर देना है। यहाँ
आपको पैसा बनाने के लिए चाहिए तो यहाँ अनहैचमेंट में क्लिक कर देते हैं, आई एम सेलेक्ट करके कैप्चर करके सुरक्षित कर देना है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका फॉर्म भर जाएगा। मैं इससे घोषणा करता हूँ, इस पर टिक कर देनी है आपको, कैप्चर को डाल के यहाँ सेव एंड सुरक्षित कर देना है। चलिए फ्रेंड्स ये आपका पूरा फॉर्म भर चुका है और इसके बाद आपका फॉर्म आ जाएगा फिल होकर, उसको आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है।